नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन ब्रेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि शनि देव इन पांच राशियों को करने वाले हैं मालामाल, पारिवारिक सुख संपत्ति और हर तरीके से धन धान्य देने वाले हैं। तो वो पाँच राशियाँ कौन सी हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मित्रों, शनि देव की वक्र दृष्टि है। शनि देव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और 12 राशियों का चक्र पूरा करने के लिए उनको 30 वर्ष लग जाते हैं। शनि देव न्यायप्रिय देवता हैं, न्यायाधीश हैं, धीमी गति से चलने वाले हैं, इसलिए शनिदेव को शनि शनि भी कहा जाता है। यानी कि जिस भी राशि में वो रहते हैं धीरे धीरे चलते हैं, और इसलिए उनको एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष लगते हैं। शनि देव न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, इसलिए वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। यदि आप कोई भी गलती करते हैं और शनि की दृष्टि है, शनि की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, शनिदेव का गोचर चल रहा है, तो उस समय पर आपको शनि देव दंड ज़रूर देते हैं। और यदि आपकी जन्मपत्री में शनि देव का गोचर है, शनि देव अच्छी जगह पर बैठे हैं, अपनी राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं, अच्छा योग बना रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि में शनि देव आपको रंग से राजा बना देते हैं। यानी कि शनि देव बहुत ही ऊपर या बहुत ही नीचे ले आते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी वो पाँच राशियाँ जिनको शनि देव करने वाले हैं मालामाल। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि में शनि देव की 3, 7 और 10 दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है। उनके कर्म भाव पर, सप्तम भाव पर और दशम भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में शनि देव आपको देने वाले हैं दाम्पत्य सुख। आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी चलने वाली है। पारिवारिक सुख से आप समृद्ध होने वाले हो। व्यापार की दृष्टि से बहुत ही धन धान्य होने वाले हो। धन और लक्ष्मी की बहुत ही वृद्धि होने वाली है। ऐसा आपका योग 2 वर्ष तक है, यानी कि 2022 तक का योग चल रहा है। इन 2 वर्षों में शनि देव आपको करने वाले हैं मालामाल। हर दृष्टि से शनि देव मेष राशि वालों को सुख संपन्न करने वाले हैं। अब है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के शनि देव की दृष्टि आपके सुख साधन के घर पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले 1.5 वर्षों में आपको हर प्रकार का सुख साधन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का योग बन रहा है। आने वाले 1.5 वर्षों में आप जरूर कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई दुकान खरीदेंगे। ऐसा योग आपके 1.5 वर्षों में बन रहा है। अब है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनि देव धनाढ्य योग बना रहे हैं। यानी कि आपको गुप्त रूप से धन का योग बन रहा है। अचानक ही आपको धन मिलेगा। यदि आप प्रॉपर्टी या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपकी बीच में कोई कमीशन बनती है, इधर से सामान लिया उधर दिया, बीच में आपने कमीशन लिया, तो ऐसी स्थिति में आपको धन का बहुत अच्छा योग बन रहा है। या गुप्त रूप से आपको धन मिलेगा या अचानक कहीं से आपको धन मिलेगा, ऐसा आपकी राशि में योग बन रहा है। अब है तुला राशि। तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है, पर शनि देव की यहाँ उच्च की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में शनि देव आपको इन 1.5 सालों में देंगे मान सम्मान, धन, यश और वैभव। आप जहाँ पे भी यदि जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं इन 1.5 सालों में। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, आपका व्यापार बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस बन रहे हैं। यदि आप कोई घर से प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। ऐसी स्थिति इस राशि वालों के लिए बन रही है। अब है मकर राशि। मकर राशि शनि देव की स्वयं की राशि है। मकर राशि पर 7.5 साती भी चल रही है, पर शनि देव यहाँ पर स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मान सम्मान, पदोन्नति, प्रमोशन, मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं। ये आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बना रहे हैं। आपका विदेश योग भी बन रहा है। यदि आपको विदेश से कोई न्यूज़ आने का इंतज़ार है तो इन 1.5 सालों में वो आ सकती है।
आपका प्रमोशन। शनि देव हमेशा शनि शनि चलते हैं, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपको धीरे धीरे इन 1.5 सालों में खूब अच्छी तरक्की मिल जाएगी। शनि देव आपको बहुत अच्छे से प्रमोशन देंगे। मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही गोल्डन पीरियड है। इस समय में आपको शनि देव देंगे बहुत तरक्की, मान सम्मान, यश वैभव और प्रतिष्ठा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि इन 5 राशियों के लिए ये 1.5 साल बहुत ही अच्छे हैं। ये 5 राशि वालों के लिए शनि देव देने वाले हैं मान सम्मान, यश वैभव, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी का योग, पैतृक संपत्ति का योग, प्रमोशन का योग, व्यापार में तरक्की का योग, और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था इन 1.5 सालों में उनका विवाह भी संपन्न हो जाएगा 1.5 साल में। आपको इसलिए ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपकी 1.5 साल लग जाएंगे करने में, 1.5 साल का पीरियड है, वो आपके कभी भी हो सकते हैं, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, ये 1.5 साल में आपकी हर इच्छा पूरी होगी, ऐसा शनिदेव योग बना रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मिथुन और तुला राशि पे इस समय ढैया चल रही है, और धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशियों पर 7.5 साथी चल रही है। शनिदेव इन 5 राशियों के लिए तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जो बाकी की राशियां हैं वो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनिदेव को सरसों का तेल, काले उड़द और काले तिल शनि मंदिर में जाकर चढ़ा कर आएँ। शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र की 3 माला जाप करें। ये जाप आप शनि मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, या अपने घर में किसी एकांत स्थान पर बैठकर भी कर सकते हैं। जाप आप किसी भी माला पर कर सकते हैं, पर रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा होता है। शनिदेव से कभी भी नजरें नहीं मिलाई जाती हैं, शनिदेव के से कभी भी सामने खड़े होकर पूजा नहीं की जाती, हमेशा साइड में खड़े होकर पूजा करनी चाहिए। जो भी सामान आप शनिदेव को चढ़ा रहे हैं वे शनिवार को नहीं खरीदा जाता। ज़्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा कि शनि मंदिर के बाहर ही थालियाँ मिलती हैं, लोग वहीं से खरीदते हैं और शनिदेव को चढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी सामान है वो आपको अपने घर से लेकर जाना चाहिए। आप घर में पहले ही ला के रखिए और थोड़ा थोड़ा सामान शनिवार के दिन लेकर जाइए। यदि गलती से कभी कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, जो सामान नहीं है उसे छोड़कर बाकी चीज़ें आप पूजा में लेके जाइए, पर उस दिन वो सामान खरीदना नहीं है। शनिवार को काला नमक, काले उड़द भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे इसका ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करने के बाद आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, यदि शनिदेव आपकी पत्री में बहुत अच्छे हैं तो शनि की चीज़ों का दान करिए। यदि शनिदेव आपकी पत्री में भाग्य स्थान पर बैठे हैं, या पंचम भाव में बैठे हैं, या एकादश भाव में बैठे हैं, तो आप और लोगों की तरह देखा देखी चीज़ों का दान करना ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो आप अपने लक का दान करेंगे, अपने लाभ का दान करेंगे, अपनी बुद्धि का दान करेंगे। जब शनिदेव की स्थिति जन्म पत्री में ख़राब हो तभी आपको दान करना चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो आप वो क्वांटिटी जितनी आपकी इच्छा है इच्छानुसार क्वांटिटी में ले जाकर शनि मंदिर में रख कर आ जाइए, वहाँ से वो पंडित जी अपने आप दे देंगे तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। शनि देव की पूजा करने से पहले आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपका फल दुगना हो जाएगा, क्योंकि शनि देव और हनुमान जी परम मित्र हैं। तो शनि मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, उसके बाद आप शनि मंदिर जाइए और शनि मंदिर में जाकर शनि देव से प्रार्थना करिए, शनि देव आपकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि इन वर्षों में शनि देव किन राशियों पर अपनी खुशहाली बरसा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।